से हाथ दे के हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की जनता के लिए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के लिए हम लोग इतना इतना काम किया है। क्या लाया भाई, देश का प्रधानमंत्री एक भी बात नहीं कहा विकास का, ये ऐसा ऐसा बात कर दिया है जो झारखंड के जनता के साथ कोई संबंध है या बोलबल के चल गया है। हर समय ये लोग झूठ बोल के राजनीति किया है भाजपा, वो नहीं कह सकते झारखंड में हमने ये सब किया है। ये झूठ तो का ये लोग आंसू बहाता है आदिवासी के नाम पर, मूलवासी के नाम पर। ये लोग कभी आदिवासी उत्थान का, जब देश में विश्व में आदिवासी दिवस होता है तो ये लोग उस समय वो लोग आदिवासी दिवस नहीं मनाते भारतीय जनता पार्टी, नहीं को तो इनकन होता ना को भारतीय जनता पार्टी, तो अब आदिवासी हित तो काफो जागरा नैन होती रिया सम्मत तो काको जागरिया इन्हें तो आबो बन नैन इधाले बढ़िया पूरा झारखंड रे फोटो फोटो हो नु तुमते योजना बायु आ स्टेडियम बायु आ मान की मुंडा इनकु छात्रवृत्ति इन योजना बायु तना इनते छात्रवृत्ति विद्यार्थी को नमिया इमिन सुंदर सुंदर इमिन नब्बा इन बढ़िया बढ़िया योजना बन भैया का निकु आज नियमन उड़ुआ का ना दो बड़ा बड़ा डेम इनका तो वंग लिंकन अपन योजना अपन भैया ताकि पाइप लाइन थे वो तेरे दा ए नामा। इसीलिए ये सरकार कभी किसी को किसी खेत का क्षति नहीं करेगा और भीतर में पाइप रहेगा, हर खेत में बारह महीना पानी रहेगा और किसी का एक इंच भी जमीन क्षति नहीं होगा। ये योजना को लेके आ रहा ताकि हमारा राज का विद्यार्थी बढ़िया पढ़े। इसलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग चालू किया है, जो निजी स्कूल में जैसे पढ़ाई होता है उससे बढ़िया यहाँ का आदिवासी का बेटा, यहाँ का दलित का बेटा, मूलवासी का बेटा, गरीब गुरबा का बेटा फ्री पढ़ाई होगा। और बाजार में जैसे बढ़िया स्कूल है निजी स्कूल उससे भी बढ़िया हम लोग पढ़ाएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा और सब विद्यार्थी को अच्छा से हम लोग शिक्षा देंगे। हर प्रखंड में उसी तरह का, उसका साथ साथ हम लोग और हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा जहां के एक पैसा दवाई का नहीं लगेगा। प्रत्येक पंचायत में अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र ताकि कोई कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सीजन का बुखार जो होता है उसका लिए जंगल का आदमी सीके भी चाय वासा नहीं आना पड़ेगा। उसी पंचायत में हम लोग गांव का बीच में जंगल का बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा और बढ़िया वहां से चिकित्सा होगा और हर हफ्ता यह शहर से लेके वहां तक डॉक्टर आना जाना होते रहेगा। ये झारखंड की सरकार, आपका सरकार, महागठबंधन सरकार इस तरह से हम लोग शुरुआत किया है। ये हम लोग झारखंड को आगे ले जा रहे हैं हम लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झुमलाबाजी पार्टी है। यह आपका रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, आदिवासी हक का खत्म करने दिया है जंगल में। इन्हें तो कड़े तो उन विरोध बर्ड अधिकार अधिनियम ये शिथिल किया नहीं भारतीय जनता पार्टी। इन्हें तो कड़े ते विरुद्ध होगा नियम होते आ रहे दो काबोल लागू हो चुका इन्हें तो कड़े तो उनका जिया। इसलिए आज ये बर्ड अधिकार अधिनियम भी शिथिल कर दिया है, ग्राम प्रधान भी खत्म करने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह भक्त मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए तमाम हमको जामशेदपुर जाना ये भी और भी हमारा कार्यक्रम है। हम उम्मीद करेंगे ये चट्टान एकता, ये जो इतना चिलचिला धूप में आप लोग इतना भारी संख्या में आया है, मेरा पूरा विश्वास हो गया हमारा गठबंधन का प्रत्याशी
जब हम अजी का जीत सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। आ सर छापे रे वोट पे हमें, यहाँ तीन दिन छाप में आप लोग वोट दीजिएगा। आओ पूरा यहाँ का मैसेज, झारखंड प्रदेश में लहर है, महागठबंधन का ही 14 के 14 सीट में जीत सुनिश्चित है। इसलिए तमाम भाइयों, तमाम भाई बहनों को हमारा संदेश है, आपको तीर धनुष में वोट देना है, महागठबंधन का पत्ता से वोट देना है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ये तानाशाही को रोकने के लिए, जो तानाशाही के चलते हमारा आपका लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना वजह से जेल में बंद किया है। इसके लिए आपको तानाशाही के खिलाफ में आपको तीर धनुष में वोट देना है, जोबा मांझी को जिताना है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। मां सोरेन को जोहार। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रुप फोटो सर, पत्रकारों के द्वारा ग्रुप फोटो मांगा।